हेलो दोस्तों, एक मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे खेत में पोटास की मात्रा बोने से क्या क्या फायदे होते हैं। अगर मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी महत्वपूर्ण खेती संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको खेत में सबसे लास्ट में जो खाद बोई जाती है उसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं लगभग 5-6 सालों से खेती करता हूं, और मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं बताऊंगा। आगे आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, मैं सब कुछ लास्ट वाली खाद के बारे में बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बोरी खोल रहे हैं और ये देखिए अभी इस पे डाला जाएगा सही समय। ये है पोटास और इसके ऊपर अभी डाल दिए हैं और अच्छे से इसको मिला लेंगे। और उसके बाद ये देखिए इसके ऊपर कॉपर डाल दिए हैं, अब कॉपर को भी अच्छे से मिला लेंगे। यही दो खाद है, कॉपर और पोटास और यूरिया, ये तीन खाद है। इसको अगर आप मिला के डालते हैं तो अच्छे से मिला लीजिए और डाल दीजिए। मैं प्रक्रिया इसकी बता रहा हूँ, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, सारी चीज़ें आगे वीडियो में बताता रहूँगा। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, देखते हैं कैसे बोते हैं, क्या करते हैं, उसको सारी जानकारी सब कुछ आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए, वीडियो में बने। ये तीनों खाद का इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इससे हल्दी रोग की जो संभावना रहती है वो कम हो जाती है और उससे लगने की कोई समय, इसलिए मैं इस तीन खाद का प्रयोग कर रहा हूँ। और ये लास्ट खाद है और सबसे सस्ती खाद है और सबसे महत्वपूर्ण खाद है। अगर इसको आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी फसल में वृद्धि और पैदावार सब में ग्रोथ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुआई प्रक्रिया चालू हो गई है और दो लोग हैं जो बो रहे हैं और अच्छे से देखिए लाइन टू लाइन बो रहे हैं। और इसका फ़ायदा और नुकसान आप सबको बताते हैं। अगर आपके खेत में पोटास का प्रयोग अगर किया जाता है तो फसल की जो पैदावार और उसके जो दाने हैं और उसके जो दानों की पोषक तत्व तो है वो अच्छे से मतलब हो जाएगी, दाने का भराव बहुत बेहतर तरीके से होगा। और कॉपर का काम ये है क्योंकि जो हल्दी रोग लगता है उसको, हल्दी रोग को रोकने में कार्य करता है। वैसे बहुत सारी खादें हैं मैं डाल सकता हूँ, लेकिन कॉपर, पोटास और यूरिया का प्रयोग करने से बहुत अच्छी, अगर आपके खेत में पानी नहीं है तो इस खाद का प्रयोग करने के बाद आप किसान भाइयों पानी का भराव तुरंत कर दें ताकि फसल में झुलसने की कोई संभावना ना हो। और आप देख सकते हैं धान की फसल एकदम लहलहा रही है और अच्छी है। आप इसमें कल्लों की संख्या देखो कितनी भरी हुई है, कितनी अधिक कल्लों की संख्या है आप देख सकते हैं। और फसल की साइज़ देख लीजिए कितनी बड़ी हो रही है, कितनी बड़ी हो गई है आप देख सकते हैं मेरे सामने। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मेरे हाइट के बराबर हो चुकी है, मेरे बराबर हो चुका है। सकते हैं मेरे बराबर हो चुका है धान, और ये फसल मैं आप सबको दिखाऊंगा। देखो भैया, अब ये लास्ट खाद हम बो रहे हैं, आप देखिए ये जैसे कि बोया जा रहा है, ये देखिए दो लोग बो रहे हैं, ये देख लीजिए, सब फुल जानकारी दे रहा हूँ आप सबको। देखते रहिए वीडियो आगे, और कुछ चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ आप सबको। पोटास से बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है क्योंकि पोटास घुलनशील होता है और पोटास में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें नमक मात्रा अधिक होती है इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। पोटास का प्रयोग करने से उसका रूप, रंग, दाना, आकार सब कुछ बहुत बेहतर होता है। हवा चलती समय, जब बारिश का समय आता है, जब पेड़ों में दाना का भराव हो जाता है और धान जो गिरने लगता है, पोटास का प्रयोग करने से उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और गिरने की संभावना लगभग कम हो। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ जाती है, पोटास से पौधों में स्थानांतरण और शर्कराओं की मात्रा बढ़ जाती है। पोटास का प्रयोग करने से पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें कीट संबंधित
रोग व्याध जितनी कुछ आती हैं सब पोटाश की प्रयोग करने से सारी बाधाएं खत्म हो जाती। और रही बात आप कॉपर की बात करते हैं, कॉपर से क्या क्या फायदे होते हैं कॉपर के बारे में सुनिए। कॉपर सबसे पहला हल्दी रोग रोकने के सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका प्रयोग करने से बहुत सारे पोषक तत्व तो उसमें शामिल हो जाता है। पोटाश और कॉपर का जब एक साथ प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। बस नुकसान इतना है कि आप ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं और पानी नहीं देते हैं, जिससे पौधे जलने लगते हैं, तो उससे बस नुकसान होता है। बाकी आप एक एकड़ में लगभग 25 किलो पोटाश और लगभग आधा किलो या 750 ग्राम 750 ग्राम के कॉपर का प्रयोग करें, और यूरिया की मात्रा लगभग 35 किलो के आसपास छोड़ दें। तो ये तीनों अगर मिला के हम एक एकड़ में छोड़ते हैं तो धान में जो पोषण की वृद्धि होगी वो बहुत ही भरपूर होगी, और आपकी फसल में जो दाने आएंगे वो सबसे लहलहाते एकदम सबसे महत्व। यही फसल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, और देख सकते हैं आप मेरे सामने ये फसल है। मैंने इसके पहले एक खाद का प्रयोग किया था जो आपको वीडियो में मैंने बताया था, जो उस वीडियो को नहीं देखे हों उस वीडियो को तब जा के देख लें और आप ये मेरे फसल में परिवर्तन देख लें। मैं जो खाद बताता हूँ वो प्रयोग करता हूँ, तो आप सबको जानकारी देता हूँ। खाद में कोई कमी नहीं, अगर आप इस खाद का प्रयोग करते हैं तो रोग व्याध सब से मुक्त हो जाएंगे, और सबसे सस्ती खाद है। और आगे वीडियो में पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे क्या, मेरा धान तब बहुत ज़्यादा गड़बड़ था लेकिन मैंने उस खाद का प्रयोग किया, वो काम किया। आप सबको मैंने इस समय दिखा रहा हूँ, देख लीजिए वही धान है जो परिवर्तन। बाकी वीडियो यहीं पर अंत करता है, सबको नमस्ते नमस्ते राम राम। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जानकारी के लिए कमेंट करें। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं, जो आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट करिए, मैं उस सब का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें को खेती करता हूं, मैं सब आपको बताऊंगा और मैं करता रहता हूं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को इस खाद के बारे में, इस चीज़ के बारे में पता चल सके, और लास्ट खाद में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयोग करें, क्योंकि ये खाद सबसे महत्वपूर्ण।